अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सबसे पहले तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल कंप्यूटर पाकिस्तान सीखने सिखाने की दुनिया में मेंबर बन जाएं। सब्सक्राइब कर मैं आपको दावत देता हूं अपने नए आने वाले विजिटर्स को इस चैनल पर, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा। देखें, जितने भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कमेंट पढ़ रहे हैं और उस मुतलिक कुछ आपके पास नॉलेज है तो आप उसका रिप्लाई कर दें। मेरे जो सब्सक्राइबर हों, विजिटर्स हों, आप उनको रिप्लाई कर दें ताकि हम मिल बैठ कर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, मोबाइल से रिलेटेड हो या कोई और प्रॉब्लम हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं आपके साथ हूँ और मेरे 18,771 जो सब्सक्राइबर हैं वो भी आपके साथ हैं। आप भी हमारे इस नए कमल का हिस्सा बन जाएं। मैं आप सबको दावत देता हूं, आप मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे आप उनसे बाखबर रहेंगे और आपको फ़ायदा मिलता रहेगा फ्री में। ठीक है जी, तो अब हम ट्रिक की तरफ आते हैं। ट्रिक ये है कि इसके लिए मैंने एक ये थंबनेल इमेज भी बनाया है। इसके अंदर क्या होगा कि मोबाइल में इंग्लिश बोलें, उर्दू में तर्जमा पाएँ। आप इंग्लिश में बोलोगे गो टू स्कूल, कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस, इस तरह से आप इंग्लिश बोलोगे तो वो आपको उर्दू करके देगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो, जैसा कि आप लिखेंगे जैसा कि मुश्किल कोई वर्ड हो, इन्फ्लुएंस, रेडिकुलस, इस तरह के कोई मुश्किल वर्ड्स हो तो उनके भी आपको उर्दू मिल जाएगा। लेकिन पूरे का पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो उनकी भी हो जाएगी ट्रांसलेशन, उर्दू से इंग्लिश होगी, इंग्लिश से उर्दू हो जाएगी इजीली। लाजवाब वीडियो है ये। तो सबसे पहले तो हम मोबाइल की तरफ आएंगे। मोबाइल की तरफ आकर इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो प्ले स्टोर में आता हूँ मैं। प्ले स्टोर में आकर एप्लीकेशन है गूगल, गूगल वालों की ये एप्लीकेशन है, क्लासिकल एप्लीकेशन है, ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट वन ऑफ द क्लासिकल एप्लीकेशन है। इसको 100 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनके रिव्यूज़ अगर पढ़ें तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू रन बेसिक एक्सटेंशन इन इटालियन लैंग्वेज फॉर मी, आई लव दिस एप्लीकेशन। हर किसी को अपने लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन से फ़ायदा हो रहा है तो हम भी फ़ायदा ले लेते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को। ओके, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश में कोई सेंटेंस को लेकर, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो भले जितनी भी आपकी इंग्लिश अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये क्लासिकल एप्लीकेशन है, इसका यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे। ठीक है, आपकी सोच है और ये एप्लीकेशन है, देखते हैं क्या आपकी सोच काम करती है और इस एप्लीकेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना फ़ायदा होगा कि आप पर हैरान हो, दंग रह जाओगे। ठीक है, ओपन करता हूँ मैं एप्लीकेशन को और मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, और कुछ लैंग्वेजेस हैं वो हम करेंगे उर्दू। ये ऑफलाइन पर अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं डन कर देता हूँ। ठीक है जी, अब अगर मैं कुछ भी बोलूँगा, पहले ये माइक के ऊपर क्लिक करेंगे, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, पढ़ा, फिर से कहूँगा ट्राई दिस अगेन, ट्राई दिस अगेन, फिर से कोशिश करें। ओके, अब देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, गो टू हेल, व्हाट ए नाइस एप्लीकेशन इट इज, आई लव दिस ऐप,
इट इज सॉल्व माई प्रॉब्लम। इट इज सॉल्व माई प्रॉब्लम। दिस ऐप सॉल्व माई प्रॉब्लम। दिस ऐप सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, ये ऐप मेरे मसाइल को हल करेगी। देखें अगर आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो सेंटेंस में तो वो भी आ जाएगा। ये देखें, ये ऐप मेरे मसाइल को हल, तो इसके लिए क्या सेंटेंस रहेगा? दिस ऐप इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग माई व्हाट? अब फिर से करें, दिस ऐप इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स। ये ऐप मेरे मसाइल को हल करने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर आप गलत सेंटेंस करोगे तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने जो इंग्लिश में बोल रहे हैं उसका मतलब ये हो रहा है। तो ऐसे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये तो हो गया जी, इंग्लिश में मैंने बात की और मुझे रिप्लाई किस में मिला? एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके जी, ये तो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मैंने इंग्लिश तो बोली, इंग्लिश के बाद उर्दू में ये ट्रांसलेट होकर मेरे सामने आ गया। अब मैं चाहूँगा कि मैं उर्दू में बोलूँ और इंग्लिश में आए, ऐसा फीचर है नहीं यहाँ पर। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? हिंदी, क्योंकि हिंदी अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी आप यूज़ कर सकते हो। हिंदी पढ़ने में मुझे नहीं आती लेकिन बोलने में तो आती है, तो हिंदी उर्दू बात सेम ही है, कोई बात नहीं। हम एच फॉर हिंदी, हिंदी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है जी, इंग्लिश। आप कहाँ हो पहले टच करेंगे, आप कहाँ हो, ओके ये तो बता भी रही है। It has been told. मुझे इंग्लिश बोलना आती है। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। देखें ऊपर जो उर्दू लिखी आ रही है, ये तो हिंदी में है। ओके जी, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आप टाइप करो, टाइप तो मैं हिंदी नहीं कर सकता बेसिकली, यहाँ पर मैं लिखूँगा इंग्लिश में ही और उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर लिखूँगा आई ड्रॉप माई कॉल, आई ड्रॉप्ड माई कॉल। फोन कॉल, यहां पर लिखेंगे डिसमिस।
तो बिल्कुल सही आ जाएगा। आई डिस मिस्ड, क्या है यार, वेट तो कर। आई डिस मिस्ड माई फोन कॉल, मैंने अपनी फोन कॉल को मुस्तरद कर दिया। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, लिख लोगे तो उसकी ट्रांसलेशन भी आ जाएगी, कॉपी कर सकते हो उसको। सही है, वन ऑफ द क्लासिकल एप्लीकेशन है। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आपकी इंग्लिश बेहतर होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने कमीशन दी थी लास्ट टाइम, तो वहाँ पर आ रहा था ही स्पीक्स इंग्लिश, और नीचे चार ऑप्शन थे। तो एक था गुड, वेल, बेटर एंड बेस्ट। तो मैंने तो अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से आंसर दे दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और देखा मैंने कि कौन सा ऑप्शन सही था, तो सारे मैंने चेक करके देख लिए और एक ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लगा, वेल वाला, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद एप्लीकेशन है हर किसी के लिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उनको शौक है इंग्लिश में बात करने का, इंग्लिश में कंपोजिशन करने का, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन है। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी ये एप्लीकेशन। अगर ये एप्लीकेशन आपको पसंद आए तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।